दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं चल रहा है हाई वोल्टेज राव। जल्द ही अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में डोरी बंध जाएगी रिश्ते की। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि भगवान के सामने प्रार्थना करते नजर आएंगे अबीर और आरोही की बेटी। देखने को मिलने वाला है कहानी में वो जहाँ पर अबीर पहुंचेगा भगवान का, यानी कि उनकी भभूत लेकर, शिव जी की भभूत लेकर अभिमन्यु के पास। वो भी घर वालों को एक लेटर लिख के भाग जाता है हॉस्पिटल, और वहाँ पर उसे लगाते नजर आता है शिव जी की भभूत और वो उसका केयर करते भी नजर आने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु और अबीर का ये रिश्ता देकर अभिनव समझाते नजर आएगा अक्षरा को कि भाई रिश्ता तो उनका खून का है ही, वो तो उसे खींचेगा ही, और अक्षरा को डरा देता है। अक्षरा और अभिनव भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचेंगे जहाँ पर देखने को मिलेगा अबीर का और अभिमन्यु का एक खास रिश्ता, जहाँ पर अभिमन्यु सच में होश में आ जाता है। देखने को मिलने वाला है कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहाँ पर अभिमन्यु होश में आते ही अब यहाँ पर जैसे अक्षरा और अभिनव को देखता है और देखने को मिलता है कि अबीर खुश हो जाता है। वहीं पर मंजरी आकर अक्षरा पर भड़कते नजर आएगी और अभिमन्यु से रोकते नजर आने वाला है और साफ कह देता है कि वो अब आरोही से शादी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को ताकि अब अभिमन्यु उड़ते ही शादी से इनकार तो करेगा ही, साथ में जब मंजरी उस अक्षरा की इंसल्ट कर रही होती है तो उसे रोकते भी नजर आने वाला। अब देखना दिलचस्प होगा कैसे अभिनव अपने रिश्ते का खुलासा भी अबीर के लिए करते नजर आने वाला है, और जल्द ही अक्षरा और अभिमन्यु एक हो जाएंगे, वो भी अबीर और अभिनव की वजह से। नेक्स्ट अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे कि मंजरी का क्या रिएक्शन होगा, तो जल्द हाजिर होते हैं। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।